पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भाजपा की सदस्यता अभियान पर कांग्रेस के विरोध पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की सोच नकारात्मक है, कांग्रेस कुछ भी कहती है, कांग्रेस के लोग सदस्यता अभियान देखकर बौखला गए हैं। भाजपा के सदस्यता अभियान पर कांग्रेस लगातार हमले कर रही है, जिसको लेकर मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सदस्यता अभियान के समय जो लोग विरोध कर रहे थे वह टिकटार्थी थे, वे आगामी चुनाव में टिकट के लिए ही विरोध कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस के पोल खोल अभियान पर भी निशाना साधा और कहा कांग्रेस ने कभी अपने सदस्यों पर ध्यान ही नहीं दिया, कांग्रेस को डूब मरना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नागपुर जाने को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर उन्होंने कहा नागपुर जाने से दिग्विजय सिंह के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, नागपुर में पार्टी का नेतृत्व है, वहां बुजुर्ग नेता हैं, उनसे मिलने में क्या बुराई है। 75,000 लोग नहीं आए, 75,000 टोटल हुए हैं ग्वालियर चंबल संभाग के। हमारा गुना, अशोकनगर, बामोरी, ईसागढ़, मुंगावली, इनकी भी तो काउंटिंग करेंगे कि नहीं? तो कांग्रेस को तो कुछ भी कहना है, हर चीज़ में क्रिटिसाइज करना है, नकारात्मक सोच है, देख के बौखला गए हैं। ग्वालियर चंबल संभाग साफ हो गया है कांग्रेस का पूरी तरीके से, और जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था वो लोग जानते हैं कौन थे, वो टिकटार्थी थे जो ये दिखा रहे थे कि साहब हमको टिकट दीजिए, कांग्रेस हमको टिकट दीजिए, अभी टिकट वितरण होने दें जो बच्चे को जी कांग्रेस खत्म हो जाएगी। किस बात का पोल खोल? नहीं, कोई पोल खोल ही नहीं है, तो स्पष्ट है, हम लोगों ने भी कराई है और उधर भी कब हुई है। कांग्रेस को तो डूब मरना चाहिए कि उन्होंने कभी सदस्यों पर ध्यान ही नहीं दिया जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। क्या हो गया? अगर पार्टी का नेतृत्व है और बुजुर्ग हैं तो उनके दर्शन करने में क्या बुराई है? दिग्विजय सिंह जी को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? नहीं, मैं श्रम विभाग नहीं है मेरे पास, अब पंचायत ग्रामीण विकास है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।